तो आज हमारे पास आए हुए हैं काफी इंटरेस्टिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हॉपअप स्नैप। प्राइसिंग की बात करी जाए तो 799 रुपीस में आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसको आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड हॉपअप की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हॉपअप एक इंडियन ब्रांड है एंड कम प्राइस के बावजूद कंपनी इसमें काफी तगड़े फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप भी बजट में ट्रू वायरलेस ईयरफोन लेना चाहते हैं, इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो बॉक्स के टॉप में हॉपअप स्नैप की ब्रांडिंग है। राइट, लेफ्ट एंड पीछे के पार्ट में इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जिसके ऊपर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे टॉप में इसका चार्जिंग केस, इसको रखते हैं हम साइड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दी गई है एक टाइप सी केबल ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर कैप्स तो अपने साइज के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, तो ये रहा चार्जिंग केस। हमारे पास ये डार्क ग्रीन कलर में है, तो 4 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। चार्जिंग केस देखा जाए तो टोटली ये प्लास्टिक बिल्ड में आता है। इसके टॉप में हॉपअप की ब्रांडिंग दी गई है। पीछे के पार्ट में टाइप सी पोर्ट है इसको चार्ज करने के लिए। एंड ये काफी कॉम्पैक्ट सा है, तो आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। दोनों ईयरफोन्स को हम निकाल लेते हैं। तो दोनों ईयरफोन से मैट एंड ग्लॉसी का कॉम्बिनेशन दिया गया है। पीछे के पार्ट में हॉपअप की ब्रांडिंग है, जहां इसका टच सेंसिटिव एरिया है। स्पीकर ग्रिल यहाँ पे मेटल की दी गई है, जो काफी ड्यूरेबल होती है, तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। वेट हम चेकआउट कर लेते हैं। सिंगल ईयरफोन का वेट है तकरीबन 4 ग्राम। चार्जिंग केस के साथ इनका वेट है 31 ग्राम। तो 10 mAh ड्राइवर्स का सपोर्ट इसमें दिया गया है। दोनों ईयरफोन 40-40 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आते हैं। सिंगल चार्ज में आप इनको तकरीबन 10 घंटे तक यूज कर सकते हैं मॉडरेट यूजेस में। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 10 मिनट के चार्ज में आप इन्हें 60 मिनट तक यूज कर सकते हैं। चार्जिंग केस आता है 250 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ। तो चार्जिंग केस की मदद से आप इन ईयरफोन को 2 से 3 बार और चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग केस के साथ टोटल प्ले टाइम यहाँ पे हो जाता है 30 आवर तक का। IPX4 रेटेड है। स्वेट से एंड नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस में कोई इशू नहीं आएगा। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे दिया गया है ब्लूटूथ 5.1। तो अभी इनको अपने फोन के साथ पेयर करके हम चेकआउट कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको दोनों ईयरफोन्स को बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पे हॉपअप स्नैप लिखा हुआ चुका है पेयर। तो ईयरफोन सक्सेसफुली पेयर हो चुके हैं, साथ ही आप ईयरफोन्स का बैटरी लेवल भी अपने फोन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इनकी टच फंक्शनैलिटी हम देख लेते हैं। तो सिंगल टैप में आप प्लेन पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए आपको राइट में 3 बार टच करना है। प्रीवियस के लिए आपको लेफ्ट में 3 बार टच करना है। वॉल्यूम अप के लिए आपको 2 बार टच करना है राइट में। वॉल्यूम डाउन के लिए आपको लेफ्ट में करना है। गेमिंग मोड को ऑन करने के लिए आपको किसी भी ईयरफोन में 5 टाइम्स टच करना है। कॉल रिसीव एंड रिजेक्ट के लिए आपको किसी भी ईयरफोन में सिंगल टैप करना है। गूगल असिस्टेंट या सिरी को एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी भी ईयरफोन में 3 सेकंड तक होल्ड करना है। तो आप बात कर लेते हैं इनके कंफर्ट की। तो ईयरफोन थोड़े से एंगल है, तो कानों में काफी आराम से फिट हो जाते हैं। अगर आप जिम में से वर्कआउट के दौरान यूज करते हैं तो आपके कानों से नहीं गिरेंगे। फिटिंग काफी मुझे टाइट लगी इनकी। रबर टिप्स वाले ईयरफोन से तो कंफर्ट इनका अच्छा है इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं इनके साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बेस की बात की जाए तो बेस आउटपुट इसका मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेस कंपनी ने इसे प्रोवाइड नहीं किया है। बैलेंस्ड बेस आप इसे बोल सकते हैं, जो काफी अच्छा लगता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेवल्स में डिसेंट परफॉर्म करते हैं। एंड मिड्स यानी वोकल्स इसके मुझे काफी क्लियर लगे। कंपनी ने इसमें 80 mAh की लो लेटेंसी का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। तो कैजुअल गेमिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। नॉर्मल गेमिंग में आपको बिल्कुल भी लेटेंसी इसमें फील नहीं होगी। बट अगर आप एक प्रो लेवल के गेमर हैं तो हल्की सी लेटेंसी आपको इसमें फिर भी फील होगी। तो कंपनी ने इनमें ENC का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है, यानी एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। तो कॉलिंग के दौरान ये बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा कम कर देता है। तो आप कर लेते हैं इसका एक माइक टेस्ट। एंड अब जो आप साउंड सुन रहे हैं, इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं। बाय डिफॉल्ट राइट वाले ईयरफोन का माइक्रोफोन यूज करता है। रूम मेरा टोटली साइलेंट है, सिर्फ AC मेरा ऑन है। तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि आपको कैसा ऐसा माइक आउटपुट मिलने वाला है। तो मैंने फैन को भी फुल 5 नंबर पे ऑन कर दिया है। तो अब आपको आइडिया मिल रहा होगा कि आपको विंडी सिचुएशन में कैसा इसका माइक आउटपुट मिलने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको ईयरफोन्स कैसे लगे, क्या इन्हें परचेस करना पसंद करेंगे, एंड इनसे रिगार्डिंग अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करता हूं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।